अमृतसर पेज न्यूज पे सभी लोगों का स्वागत है। अगर मैं बात करूं औरतों की तो बहुत सी परेशानियां औरतों को देखने को मिलती है, चाहे बात हो लाइफस्टाइल की तो काफी ज्यादा लाइफस्टाइल जो है चेंज हो गया है, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है औरतों को। आज हम यहाँ पे बात करेंगे डॉक्टर अतिया जांबा के साथ और उनसे पूछेंगे कि जो औरतें हैं उनमें बाझपन का क्या कारण है और जो बंद नलियों की समस्या आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलती है औरतों में, उसका क्या कारण है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका अमृतसर तेज न्यूज़ पे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अतिया। आज मैं आपको बंद गर्भ नलियों के कुछ ऐसे मुख्य कारणों के बारे में बताऊंगी जिससे कि आजकल की औरतें, बहुत सारी ऐसी औरतें जो कि संतान सुख से वंचित हो रही है। और कारणों की बात करें, सबसे बड़ा प्रमुख कारण है टीबी। और टीबी ऐसी बीमारी है कि जनरली पेशेंट्स को पता ही नहीं चल पाता। पीआईडी यानी कि पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, नलों में सूजन आदि का आना, उसी के साथ चलते पानी की शिकायत, पर्सनल हाइजीनिक ना मेंटेन करने के कारण पेशेंट्स को पीआईडी की प्रॉब्लम्स रहती है। और कुछ केसेस में देखा जाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो गए हैं तो उसके कारण भी हमें इनफर्टिलिटी कॉज होती है। और अनदर इश्यूज की अगर बात करें कि बच्चेदानी की रसौली, और बच्चेदानी में रसौली, फाइब्रॉइड्स भी, ये भी बहुत बड़ा प्रमुख कारण है इनफर्टिलिटी का। तो ये थे प्रमुख कारण जिससे कि बंद गर्भ नलियों के होने के कारण हमें आजकल मिलते हैं। जैसा कि आपने अभी हमें इन बीमारियों के बारे में बताया, तो औरतों को कैसे पता लग जाता है कि क्या लक्षण आते हैं औरतों के बीच जिनसे उन्हें पता लगे कि यही वो बीमारियां हैं जिनके कारण वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही? जैसा कि सबसे पहले मैं बात कर रही थी टीबी के बारे में, और टीबी एक ऐसी बीमारी है जनरली फीमेल्स को पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें टीबी है कि नहीं। बहुत लंबे समय तक वो प्रेगनेंसी प्लान करती जा रही है, साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो उसके बाद हमें एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं पॉजिटिव आ पाता, तो तब हम पेशेंट्स को जनरली एडवाइस करते हैं कि अपना टीबी का टेस्ट करवाएं, जिसमें हम ये रूल आउट कर सके कि उस पेशेंट का टीबी पॉजिटिव है या नहीं है। सेकेंड बात करते हैं हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी बीमारी है, यानी कि हम इसको एक डिजीज ही बोल सकते हैं। इस कंडीशन पे होता क्या है कि जनरली जो बच्चा ग्रोथ करता है वो यूट्रस में ग्रोथ करता है, और इस कंडीशंस में होता क्या है कि वो यूट्रस में ग्रोथ ना होने के कारण ट्यूब्स में डेवलपमेंट उसके बच्चे की होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसी के साथ चलते ट्यूब्स अनहेल्दी हो जाती है। और जब ट्यूब्स अनहेल्दी हो जाती है तो जब पेशेंट सेकेंडरी प्रेगनेंसी के लिए प्लान करता है सेकेंड बेबी के लिए, तो उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती, तो जिसके साथ ट्यूब्स का बंद होने का रीजन हमारे सामने नजर आता है। और अगर देखा जाए, जैसे कि हमने बताया ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, ये भी बड़ा कारण बताया है। पीआईडी यानी कि साफ सफाई ना रखने के कारण अनहाइजीनिक कंडीशंस या लिकोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, या बच्चेदानी में रसौली, फाइब्रॉइड्स भी बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण पेशेंट्स को पेन रहती है, हैवीनेस रहती है लोअर एब्डोमेन, तो उसी के साथ चलते पेशेंट्स को ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं जिससे कि हमें रूल आउट हो जाता है कि कहीं उसकी इनफर्टिलिटी किस वजह से हो रही है। जैसा कि मैम ने अभी बताया कि जो लक्षण होते हैं या जो बीमारियां होती हैं जिसके कारण प्रेगनेंसी में काफी दिक्कत आ सकती है, अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूं तो डॉक्टर्स ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि ऑपरेशन करा लो, जो आपकी बंद नलियां हैं वो खुल जाएंगी। क्या आयुर्वेदा में इसका कोई इलाज है जिससे ये सब ठीक हो सकता है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है कि आयुर्वेदा में इसका इलाज संभव है या नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ सभी औरतों के कि आयुर्वेदा में भी इसका इलाज संभव है। विदाउट एनी सर्जरी, बिना किसी चीरा लगाए हम आयुर्वेदा में भी बंद गर्भ नलियों को खोलना जा सकता है। देखिए, आयुर्वेदा में बहुत सारी ऐसी नेचुरल थेरेपीज है, पंचकर्मा थेरेपीज होती है जिसके द्वारा, और हम औषधियां देख कर पेशेंट्स को, जिनके द्वारा हम पेशेंट्स की बंद गर्भ नलियों को भी खोल सकते हैं। और इसमें कुछ औषधियां हम लोग खाने के लिए भी देते हैं और कुछ थेरेपीज में यूज होती है। और ऐसे बहुत सारे मेरे ऐसे एग्जिस्ट पेशेंट्स हैं जिनके की 3 से 4 सिटिंग्स देने के बाद पेशेंट्स की ट्यूब्स खुली भी है और आज उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव भी करी है और उनके पास हेल्दी स्वस्थ बच्चा भी उन्होंने जन्म दिया है। अभी जैसे कि आपने बताया कि पंचकर्मा थेरेपी से हम ये चीज को क्योर कर सकते हैं, तो अगर मैं इस थेरेपी की बात करूं तो क्या इस थेरेपी से जो दोनों साइड्स हैं उनकी नलियां खुल जाती हैं, या अगर पता कैसे चल सकता है कि दोनों साइड की जो नलियां हैं वो खुल चुकी हैं? क्योंकि जो पेशेंट्स हैं वो काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें पता नहीं लगता कि क्या वो खुली हैं या नहीं खुली। देखिए, सबसे पहले पेशेंट्स आजकल सबको क्लियर होता है कि ठीक है, अंडेदानियां 2 होती है और दोनों अंडेदानियों का काम होता है कि अंडों को बनाना, और जब प्रेगनेंसी प्लान होनी होती है तो वही अंडे आदमी के पानी के साथ फर्टिलाइज होते हैं, तो तभी एम्ब्रियो डेवलप्ड हो पाता है।
तो अब क्या रहता है कि अगर इन केस पेशेंट्स की एक साइड की ट्यूब्स भी खुली है, यानी कि थेरेपी करने के बाद अगर उसकी एक साइड की ट्यूब्स खुल गई है, तो एक साइड की ट्यूब्स खुलने के बावजूद भी वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं, और एक साइड की ट्यूब खुलने के बाद प्रेगनेंसी प्लान करने के साथ साथ वो बच्चे को जन्म भी दे सकती हैं। तो जरूरी नहीं है कि दोनों साइड्स की ट्यूब्स ही हमारे लिए खुलनी जरूरी है, एक साइड की खुली है तो भी पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, ऑब्वियसली काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली होगी। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप कुछ वैल्यूएबल टिप्स जो है वो हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें, क्योंकि हमेशा कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप कुछ ऐसे टिप्स बताएं जिससे महिलाओं को इस प्रॉब्लम से जूझना ही ना पड़े। देखिए, ट्यूब्स ब्लॉकेज होने का सबसे बड़ा रीजन ही है पर्सनल हाइजीनिक। जितनी लेडीज औरतें हैं जो स्लम एरियाज में रहती हैं, या वैसे जनरली पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम रहती है ल्यूकोरिया वाइट डिस्चार्ज की, पर्सनल हाइजीनिक मेंटेन करके रखें और सैनिटरी नैपकिन यूज करें और रिच प्रोटीन डाइट ले, जिंक सोर्स ऑफ जिंक का ले, वाइटामिन ई रिच क्वांटिटी में ले, और कुछ ऐसे योगा आसन है जिन्हें हमें डेली रूटीन में करना चाहिए, जैसे विपारिता करानी हो गया, भुजंग आसन हो गया, सेतु बंद आसन हो गया, सर्वांग आसन हो गया, और इस तरह के वीडियो से ये कुछ जो है कि मेरे ऑलमोस्ट यूट्यूब के चैनल पे डली हुई है, आप यूट्यूब के चैनल पे जाके भी उस चीज को और डीपली देख सकते हो। और इस तरह की कोशिश यही रहेगी आपके लिए, बेटर टिप्स यही है कि आप अपनी पर्सनल हाइजीनिक मेंटेन करके रखें, जिससे कि आपके साइकिल में भी किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो। मंथली साइकिल रेगुलर है, हार्मोनल सिस्टम इम्बैलेंस ना होने दे, अपनी डाइट प्रॉपर ले, वेट को कंट्रोल रखें, जिसके साथ आपको ये लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम परसिस्ट नहीं होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आप आज हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की। आप हमेशा ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आते रहिया कीजिए, ताकि जो हमारी ऑडियंस है उसका भला हो सके। जी थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछे जिससे कि हमारी ऑडियंस भी इस चीज से काफी अवेयर भी हो चुकी होगी कि आज के टाइम पे हमें कौन से टिप्स को बेसिक्स फॉलो करना चाहिए और हमें आयुर्वेदा को ही क्यों सपोर्ट करना चाहिए।